startup as per flight time POV04. उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फीमेल पायलट से और उनके इंस्ट्रक्टर से भी, और उनसे जानेंगे कि फीमेल पायलट और मेल पायलट में क्या फ़र्क होता है। हर जगह पे लड़कियां टांग अड़ा रही हैं, तो चले उनसे बात करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? उमर। उमर, लगता नहीं है कि हर जगह पे लड़कियां? नहीं, अच्छी बात है ये तो कि लड़कियों को ज़रा एक्सपोजर मिल रहा है और वो नई फील्ड में आने की कोशिश कर रही हैं। पहले मेडिकल में थी ज़्यादा, तो अब अच्छा है कि सारा हर जगह जो है बाकी फील्ड में भी जाने की कोशिश कर रही हैं और उनको फैमिली से सपोर्ट मिल रही है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, लड़कियों को समझाना आसान होता है या लड़कों को समझाना? दोनों को समझाना आसान होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसमें मैं नहीं समझता कि जी लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है या लड़कों के लिए ज़्यादा आसान है। इसमें जिसका इंटरेस्ट है, जो अपने शौक से आया है, वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। सर कौन ज़्यादा खाता है, लड़कियाँ या लड़के? सर तो कोई भी नहीं खाता। आप खाते हैं सबका? हाँ, हम खाते हैं, हम तंग करते हैं इनको कि ऐसे करो वैसे करो। तो क्या कहते हैं, लड़कियों को होना चाहिए इस फिल्म में, दूसरी लड़कियों को बिल्कुल होना? हाँ, और भी लोगों को आना चाहिए, लड़कियों को आना चाहिए। और बड़ा अच्छा परफॉर्म जो लड़कियां हैं अभी भी अकेडमी में हमारी हैं, वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए लड़कियों को। अच्छा कानिता, आप क्या कहेंगी अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में, कैसा लगता है आपको? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी अकेडमी में सारे इंस्ट्रक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और सर उमर भी बहुत सामने खड़े हैं, इसलिए नहीं कहना, सही सही बता, सामने खड़े हैं इसलिए नहीं कह रही। यहाँ के सारे इंस्ट्रक्टर्स एयर ईगल के बहुत अच्छे हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी है यहाँ पर कुछ। अच्छा, क्या कहेंगी, कैसा लगता है यहाँ पे अपने आप को देखिए? बहुत अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है यहाँ आके। आप थोड़ा लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं कि हमारे अम्मा बा कहते हैं बस बच्ची बड़ी हो गई है ना, बस उसने उन्हें गड्डी सीख ली काफ़ी है। नहीं, मेरे अम्मा अब ऐसा नहीं सोचते, मेरे बाबा ने मुझे बचपन से लड़कों की तरह रखा है और इसी वजह से उन्होंने मुझे इस फील्ड में भेजा, वो चाहते थे कि मैं कमर्शियल पायलट बनूँ। जैसे कमर्शियल पायलट बहुत सारे लेके जाता है पैसेंजर्स को, तो वो बेचारे तो आए। ऐसा नहीं है, अब इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आ चुकी हैं, बल्कि हमारी अकेडमी में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं, पहले कम होती थी। और ये लोगों की गलत सोच है कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती या वो लड़कों से कम है, मेरे ख्याल से लड़कियाँ लड़कों से अच्छी गाड़ियाँ चलाती हैं। लड़कियां बता दें लड़कों को कि हम अच्छी गाड़ियां नहीं से बचे जहाज भी चला सकती हैं। बिल्कुल, ये तो हम दिखाएंगे टाइम के साथ। अच्छा कानता, आप हैं किस शहर से? शेखुपुरा। शेखुपुरा से हैं, तो लगता नहीं था कि जब छोटी थी बचपन से, जैसे आपके पेरेंट्स ने सोचा था, आपने क्या सोचा था कि क्या बनूंगी? बचपन से मेरी अम्मा सोचती थी कि मैं मेडिकल में जाऊँ, डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरे अब्बा चाहते थे मैं कुछ डिफरेंट करूं, और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे रही हूं। और मैं, मेरा ये पैशन था, मैं इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कुछ और बनूंगी। आप भी यही चाहती थी कि मैं पायलट बनूं? जी, बचपन से ये टिपिकल एक माइंडसेट बना होता है, दो ही शौक होती है, डॉक्टर या पायलट, तो वही था। अच्छा, बचपन से गुड़ियों से खेलती थी या चाहती? गाड़ियों से। गाड़ियों से खेलती? बच्चे खेलते हैं, लड़के खेलते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लड़कियाँ भी खेलती हैं। अब्बा कहते थे बड़ा हो गया बड़ा आदमी, क्या बनना जी? बड़ा आदमी बन गई, बन रहा हूँ। बड़ा आदमी बन रही है, बड़ी हो गई है कि आदमी भी बन गई है? आदमी नहीं बनी, लेकिन बड़ी बड़ी जरूर हो गई पर्सनैलिटी कुछ। अच्छा कांता, क्या कहेंगी, ऐसी फीमेल्स भी हैं हमारे माशरे में, आज भी हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में लोगों की सोच ऐसी है कि वो लड़कियों को तालीम भी नहीं दिलवाना चाहते? मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा गलत सोच है, क्योंकि इस्लाम में भी ये नहीं है और लड़कियाँ लड़कों के बराबर होती हैं। मेरे ख्याल से तो लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, और अगर पैशन के साथ करें, मेहनत करके करें, तो लड़कों से आगे भी जा सकती हैं। मैं भी तो खड़ी हूँ यहाँ आज। जब आपने पहली दफ़ा जब आप बैठी और आपने उड़ाया प्लेन को, तो कैसा लगा? क्योंकि लड़कियां तो डरती हैं ऊंचाई से, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डरती हैं, लड़के भी डरते हैं।
एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील थी, लेकिन मेरे ख्याल से शौक का कोई मोल नहीं होता, और जिसको इस चीज़ का शौक हो वो डर नहीं सकता इस चीज़ से, क्योंकि ये एक डिफरेंट फीलिंग है। मतलब आप हवा में हो परिंदों की तरह, आप अगेंस्ट द नेचर एक काम कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जाती हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? आपको जहाज़ में हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है। हम जैसे कि आपको पता है, हम जहाज़ से पहले भी उसकी पूरी प्री फ्लाइट करते हैं, 360 करते हैं, उसके बाद आपको इसकी एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। चेक्स हर 10-15 मिनट बाद पीरियोडिक चेक्स करने पड़ते हैं। जी तो नाज़रीन, सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, और ना सिर्फ ये इंजीनियर हैं बल्कि एक ट्रेनर भी हैं, और स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करती हैं। कैसी हैं सादिया? मैं बिल्कुल ठीक। सादिया क्या कहेंगे, अच्छा कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं मियांवाली से ताल्लुक। मियांवाली से हैं सादिया? मियांवाली के लोग थोड़े रिजर्व होते हैं, तो आप कैसे एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गई? फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, एक एजुकेटेड फैमिली है, फादर बहुत सपोर्टिंग है, तो इसलिए मियांवाली जैसे शहर से भी मैं यहाँ आ गई। अच्छा, फादर सपोर्टिंग है, मदर नहीं है? मदर भी सपोर्टिव है। कैसा लगता है सादिया यहाँ पे अपने आप को देख के, जब इतने सारे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही होती हैं, कभी सोचा था? चैलेंजिंग है लेकिन अच्छा लगता है। ऑब्वियसली आप पढ़ा रहे हो, साथ साथ सिखा भी रहे हो, खुद भी सीख रहे हो, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा सादिया, जब यहाँ पे फ्लाइंग से पहले आप एयरक्राफ्ट को चेक करती हैं, तो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जिन्हें चेक करना लाजिम होता है? ओके, जब हम सुबह एयरक्राफ्ट को रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करने से पहले हम उसकी डिटेल इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें हम एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्ट करने के अलावा उसके सारे सिस्टम वगैरह चेक करते हैं कि एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम जो हैं वो ठीक हैं, उसके बाद ही हम उसको रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ शेड्यूल इंस्पेक्शन आती हैं, जिनमें डिफरेंट आवर्स के बाद हम एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन करते हैं, और अनशेड्यूल इंस्पेक्शन भी आती हैं, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया है या कोई भी एयरक्राफ्ट का कोई मसला आया तो हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं। अच्छा, सिर्फ रिलीज़ करने से पहले देखते हैं, जब वापस आ जाता है तब भी इसको चेक करते हैं? प्री फ्लाइट भी होती है और पोस्ट फ्लाइट भी होती है, दोनों दफ़ा होती है। जितने भी यहाँ से जाएंगे एयरक्राफ्ट, आप सबको चेक करेंगे? हाँ जी।
नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आमना से। आमना ना सिर्फ एक फीमेल पायलट हैं बल्कि इंस्ट्रक्टर भी हैं और नए आने वाले पायलट्स को ट्रेन भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अच्छा आमना, कैसा लगता है एक फीमेल पायलट होने के साथ साथ आप एक ट्रेनर भी हैं और नए आने वाले पायलट्स को ट्रेन करते हैं, स्पेशली बॉयज़ भी होते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा जो है तादाद है वो लड़कों की होती है, तो कैसा लगता है? बहुत चैलेंजिंग काम है और अच्छा लगता है, मतलब कि बॉयज़ को मैं ट्रेन कर रही हूँ। मैं फ़र्स्ट फीमेल हूँ एयर ईगल में जो एज अ इंस्ट्रक्टर आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे माशरे में एक वो टाइम भी था हमारे मुल्क में कि लड़की को तालीम के लिए बाहर भी नहीं भेजा जाता था, वही मर्द जो लड़की को घर में कैद करने की बातें करते थे आज उन्हीं मर्दों को आप ट्रेन करती हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, मतलब अब टाइम चेंज हो गया है, ठीक है, एयरलाइंस में भी लड़कियाँ हैं, हर जगह लड़कियाँ मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं, तो इट्स नॉट कि अब लड़कियों को आप घरों में बंद करके रखो, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी बॉयज़ को मिलती हैं, और एयरलाइन में भी उतनी ही मिलती हैं जितनी बॉयज़ को मिल रही हैं, तो इट्स लाइक अच्छी बात है। आई फील प्राउड कि मैं इतने सारे लड़कों को पढ़ा रही हूँ। अच्छा आमना, आप पायलट भी हैं तो आपने क्यों नहीं कमर्शियल प्लेन क्यों नहीं उड़ाया, आप क्यों ट्रेनर बन गई? एक्चुअली ऐड नहीं आया अभी तक, तो सारे ही ऐड का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छा था कि CPL के बाद जो है आप फिट्स करते हो जब तक ऐड नहीं आता एयरलाइन का, तो अभी तक ऐड नहीं आया तो मेरे पास फिट्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, सो आई डिड माय फिट्स, उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्टर रख लिया क्योंकि फीमेल कोई नहीं है अभी तक इंस्ट्रक्टर। ना घर वालों ने सपोर्ट किया जब आप आई थी, आपने सोचा था कि आपने पायलट बनना है, तो कैसा रिएक्शन था सबका? अम्मी अब्बू को पता था, बाकी मैंने अपने ख़ानदान में किसी को नहीं बताया था, और बाद में पता चला उनको। स्टार्टिंग में तो वो यही सोचते थे शायद मैं एयर होस्टेस बननी हूँ, और हर किसी ने यही बोलना कि अच्छा तुम लोगों के बैग उठाओगी, तुम लोगों के बर्तन साफ़ करोगी। जब बाद में उनको पता चला अच्छा ये पायलट बनी है, तो दे वर लाइक अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है कि हमारे ख़ानदान में भी कोई पायलट है, तो मतलब नाउ दे फील प्राउड। पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं जब उनको मतलब सबको बताते हैं कि हमारी बेटी पायलट है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, स्पेशली मेरे अम्मा बाप बहुत खुश हैं। अच्छा, बहन भाइयों में और कौन है? मेरी बहन है दो और मेरे दो भाई हैं। तो आपके अलावा वो क्या करते हैं, वो भी पायलट हैं उनमें से कोई या नहीं? नहीं, मेरा एयरलाइन में भी कोई नहीं है, मैं फर्स्ट हूँ अपने घर में से जो पायलट बनी हूँ। मेरी बहन एक इंजीनियर बन रही है और एक आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कर रही है। अच्छा, कैसे सोचा था सर आमना कि आपने पायलट ही बनना है? शौक था, पहले अम्मा अब्बा का शौक पूरा किया, फिर उसके बाद अपना शौक पूरा किया। अम्मा अब्बा का क्या शौक? वो कह रहे थे मास्टर्स कर लो, कोई डिग्री हो, फिर मैंने मास्टर्स कर लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसके बाद मैंने कहा अच्छा अब मैंने आपका शौक पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है, तो दे वर लाइक अच्छा ठीक है। जी तो नाज़रीन, फीमेल पायलट से मिलके आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप भी बनना चाहती हैं पायलट, आप भी मेडिकली फिट हैं और अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हैं, हवा में उड़ना चाहती हैं, तो आज ही एयर ईगल एविएशन अकेडमी ज्वाइन कीजिए और अपने ख्वाबों को पूरा कीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।